वेलकम बैक अगेन गाइस, दिस इज राजकुमार गिरी और आप देख रहे हैं 4-1D डिजाइन। एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट वीरे रेंडर सेटअप विथ लाइट एंड कैमरास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड माय वीडियो। तो पहले क्या किया हमने, बेसिक एक छोटा सा ऑफिस का सेटअप लिया, तो उसके हम मटेरियल कैसे डालेंगे थोड़ा बहुत दिखाएंगे, और कैसे हम क्रोम बनाते हैं और कैसे इसको लाइट सेटअप करके कैमरा से रेंडर करता है। भीरे में एक चीज़ क्या होता है कि अगर आप भीरे का रेंडर इंजन यूज़ कर रहा हो और दूसरा कोई कैमरा लाइट यूज़ कर रहा हो, तो रेंडर नहीं दिखाई देगा, ब्लैक आएगा, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप भीरे का मटेरियल यूज़ किया तो भीरे का ही लाइट और कैमरा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले उसका भीरे का एक जो बेहतरीन सेटिंग्स होता है वो हम उसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बाद हम क्विक सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। क्विक सेटिंग्स क्या होता है, बहुत जल्दी हो जाता है और जो लिख लिख के हम करते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसके लिए ज़्यादा हाई कॉन्फिगरेशन मशीन चाहिए। तो चलिए हम जाते हैं रेंडर सेटअप की तरफ। रेंडर सेटअप इधर है, तो यहाँ पे हमारा रेंडरिंग में भी मिल जाएगा। रेंडरिंग में रेंडर सेटअप शॉर्टकट है F10। रेंडर सेटअप में हम गए और इधर हम सिंगल फ्रेम करेंगे तो सिंगल रखेंगे, एक्टिव टाइम सेगमेंट को हम अगर 0 से 100 तक, मतलब 0 से 100 तक है तो 100 इतना ही लेगा। रेंज मतलब कितना रेंज तक, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू तक हम उसको रेंडर कर सकते हैं, 0 से 5, 5 से 10, ऐसे करके बहुत लोग रेंडर करता है। और आउटपुट साइज अगर कस्टम रखते हो इधर, तो आप आपके हिसाब से रेंडर कर सकते हो, विथ और हाइट कितना होगा आपके हिसाब से दे सकते हो। और अगर आपको फुल HD चाहिए तो HDTV दे दो, और 4K चाहिए तो HDTV x 4, ऐसे कैलकुलेशन करके आपको देना होगा। एटमोसफियर आपका रहेगा तो ऑन रहेगा, इफेक्ट रहेगा तो ऑन रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो ऑन रहेगा, और फोर्स टू साइडेड को ऑन रखना है ज़रूरी, और यूज एडवांस लाइटिंग को ऑन रखना है, और सेव फाइल कहाँ सेव होगा ये भी ज़रूरी है, इसको टिक मार्क करो और फाइल में जाके सोचो डेस्कटॉप में हम एक फाइल को क्लिक कर दिए। और ये हम कर रहा है PNG फाइल में, ओके। PNG, JPEG, टारगा ऐसे बहुत सारा होता है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा PNG, JPEG, टारगा, ओके। तो हम PNG में कर रहा हूँ, सेव। और असाइन रेंडर को अगर जिस इंजन आप यूज़ कर रहे हो तो उसको चेंज करना पड़ेगा। भीरे के लिए इधर आपको प्रोडक्शन में आपको क्या करना होगा, प्रोडक्शन को इसको भीरे एडवांस करना होगा, और एक्टिव सेट को आपको करना होगा भीरे RT, ओके। और अब इसका काम ख़त्म हो गया कॉमन का। भीरे के अंदर जाते हैं, भीरे के अंदर हम फ्रेम बफर में जाएंगे, फ्रेम बफर को ऑन करेंगे, और ग्लोबल स्विच के अंदर कुछ नहीं करना चाहिए। अच्छा, इमेज सैम्पलर के अंदर एडाप्टिव सब डिविजन करना चाहिए टाइप, और रेंडर मास्क इसको कर दो ना, जैसा है वैसे ही रहने दो। और इमेज फिल्टर को इसको कैटमाल रोम ज़्यादातर करता है, आप अगर ज़्यादा नॉइज आता है तो भीरे बॉक्स फिल्टर, ट्रायंगल फिल्टर भी यूज़ कर सकते हो। एडाप्टिव सब डिविजन इमेज सैम्पलर में आपको मिनिमम ये -3 और मैक्सिमम 4, ओके। कलर थ्रेशोल्ड मतलब अच्छा खासा कलर के लिए आपको 0.001, मतलब 0.05 से 0.001 तक वैल्यू ले सकते हैं, जितना कम होगा उतना कलर अच्छा आएगा, ठीक है। और ग्लोबल DMC के लिए एडाप्टिव अमाउंट 0.85 भी रहता है, अगर आपका नॉइज का इशू है तो आप 0.05 से 0.001 तक वैल्यू ला सकते हैं, 0.5 से 0.001, ओके।
आप कुछ मत करना, ये सब नहीं चाहिए। कभी कभी कैमरे के अंदर ये मोशन ब्लर, डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन करने के लिए करना चाहता है, करना पड़ता है, तो ये सब करना है। अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है। तो जीआई के अंदर जा रहा हूँ। इनेबल जीआई, प्राइमरी इंजन रहेगा इरिडेंस मैप, सेकेंडरी इंजन रहेगा लाइट कैच। इरिडेंस मैप के अंदर करंट प्रेशर हाई, ए सब डिविजन 50, इंटरप्ट सैंपल्स 70 रहेगा। ओके। और लाइट कैचे के अंदर सब ठीक ठाक ही है, ये कुछ मत चेंज करना। कॉस्टिक कहाँ लगता है? कॉस्टिक लगता है, खाली ऑन कर देना है। वाटर, ग्लास, डायमंड्स, गोल्ड, ये सब जगह में जहाँ में चमका हुआ कुछ रहता है, उधर रिफ्लेक्शंस के लिए कॉस्टिक लगता है। ठीक है, उतना रियलिस्टिक रेंडर आता है, तो खाली ऑन कर देना चाहिए चाहता है। तो आपको जहाँ चाहिए उस वहाँ पे ऑन कर दो। सेटिंग्स में आपको खाली क्या करना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर डायनामिक मेमोरी लिमिट, ये अबाउट रैम होता है, डिपेंड ऑन रैम। ठीक है, ये आपका अगर 4 GB रैम ना है तो 4,000 दो, 8 GB रैम है तो 8,000 दो, 16 GB रैम है तो 16,000 दो। ठीक है, हमारा इधर 12 GB रैम है तो हम 12,000 यूज़ कर रहा हूँ। ओके। और रेंडर एलिमेंट मतलब पास रेंडर जो लोग करता है वो पास रेंडर, यहाँ पे एक और एक वीडियो में हम पास रेंडर के बारे में बताएंगे कैसे करता है पास रेंडर। तो ये हमारा रेंडर सेटअप हो गया अच्छे से। मटेरियल में जाएंगे हम, मोड में हम स्लेट मोड करेंगे। स्लेट मोड करके हम इधर भीड़े के लिए एक स्पेशल मटेरियल दिया हुआ है, ये वीरे एमटीएल यूज़ करेंगे। वीरे एमटीएल में हम क्या करेंगे, जैसे हम मेंटल रे में स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, इधर हम वीरे एमटीएल यूज़ करेंगे। और इधर हम पहले दिखा रहा हूँ हम कैसे क्रोम बनाते हैं। पहले इसको डबल क्लिक कर, इधर ले लिए और इसका नाम हम दे दिए क्रोम। ठीक है, डिफ्यूज में उसका कलर होता है, आप कोई भी कलर, क्रोम के लिए बेसिकली ब्लैक करते हैं हम इसको, और रिफ्लेक्ट को हम वाइट की तरफ देते हैं, क्लियर। और रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस को हम करते हैं 0.। ये क्रोम का क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जो क्रोम ज़्यादा चमका हुआ रहता है स्टील की तरफ वो 0.99 भी हो सकता है। हम यहाँ पे 0.9 अप्लाई कर रहा हूँ और सब डिविजन अप्लाई कर रहा हूँ 16, क्लियर। और फिर इधर आपको फ्रेशनल रिफ्लेक्शन को ऑन करना है, इसको ऑन कर दो खाली क्रोम में, इसको हम 20 रखते हैं। ठीक है, और इधर हम ऐसे ऐसे हम असाइन कर दिए जहाँ पे हमारा क्रोम चाहिए। ठीक है, और ऐसे हम बहुत सारा मटेरियल लेके वुडन कलर करना है, तो हम ऐसे वुडन कलर देके ऐसे हम रिफ्लेक्शंस थोड़ा बहुत, ग्लॉसीनेस 0.3 से 0.5 तक दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमको असाइन करना होगा। अगर किसी को अगर इमेज देना चाहते हैं तो ऐसे डबल क्लिक करो और डिफ्यूज मैप, स्टैंडर्ड, बीट मैप, बीट मैप से डेस्क,
इसे जो एक इमेज हम ले लिया, इसको हम पॉली में कन्वर्ट कर दिए। और इधर UVW मैप हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे आपको इमेज करना है। अगर आप एक ही जगह में दोनों मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं तो इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू पॉली कर दो, और इसको सिलेक्ट करके इसको छोड़ के और बाकी को ले लो, मटेरियल दे दो। ठीक है, ऐसे हम पूरा कर लिए, पूरा कर लिए, और एक फाइल में, ठीक है, ये वाला फाइल में हम ऐसे पूरा कर लिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइट सेटअप करेंगे। वीरे का लाइट थोड़ा आसानी है, इसीलिए हम क्या करेंगे, टॉप में जाएंगे, टॉप में जाके यहाँ पे एक हमारा लाइट है, लाइट ऑप्शन, लाइट ऑप्शन में जाके भीरे भीरे लाइट, भीरे लाइट लेंगे, ऐसे भीरे लाइट लेंगे, भीरे लाइट लेंगे, और इसको जी प्रेस करके ऊपर ले लेंगे। देखो ये हमारा प्लेन लाइट है, वीरे प्लेन लाइट, वीरे प्लेन लाइट है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, तो इसका जो मॉडिफाई पैनल है, तो देखो वीरे का जो लाइट है वो उसका काफ़ी शेप्स आता है, प्लेन आता है, डोम आता है, स्पेयर आता है, मेस आता है, ठीक है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो ज़्यादातर प्लेन ही यूज़ होता है, और स्पेयर खाली फील्ड लाइट के लिए यूज होता है, मेस लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के आप मेस लाइट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट में आपको लाइट नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ेगा आप चाह रहे हो, तो उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करो, सॉरी लाइट को क्लिक करके एक्सक्लूड ऑप्शन के जाओ, और उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करके एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। अब अगर चाह रहे हो इंक्लूड करना है तो इसको इंक्लूड, ओके। ये यूनिट देखो, इधर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इधर 50 है, आप आपके रिक्वायरमेंट आपके हिसाब से दो, जिस सीन में जितना लाइट चाहिए, हम इधर 100 रख रहा हूँ, ठीक है। सौ नहीं, इसको करते हैं 70, और इसका कलर को हम वाइट करते हैं। देखो ये हाफ लेंथ और हाफ विथ क्या होता है, ये लेंथ विथ, ठीक है। देखो ये कास्ट शैडो हमारा ऑन है, डबल साइडेड करेंगे तो क्या होगा, ऊपर नीचे की तरफ लाइट जाएगा, मतलब एक लाइट का दोनों दोनों साइड में लाइट जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारा लाइट है तो इसका नीचे भी लाइट आएगा और ऊपर भी लाइट जाएगा, ठीक है, इसलिए ऑफ कर रहा हूँ। अगर इनविजिबल मतलब लाइट नहीं दिखना चाहिए तो इसका ऑन करना चाहिए, मतलब लाइट शेप जो होता है वो नहीं दिखने के लिए इसको ऑफ करना चाहिए। अगर आपका चाहता है तो दिखना हो तो इसका ऑन कर दो,
और हम इसको ऑफ करके रखता हूँ, और ये तीनों ऑन होना चाहिए, इफेक्ट डिफ्यूज इफेक्ट स्पेकुलर इफेक्ट रिफ्लेक्शंस। ओके, और हम आगे की तरफ एक लाइट रख रहा हूँ, इसको कॉपी कर लिए एक। इसका हम थोड़ा बहुत लाइट को इसको 30 करते हैं। ओके, और इसका कास्ट शेडो हम ऑन रखते हैं। अब हमको लेना होगा कैमरा, टॉप में जाएंगे हम, और इधर कैमरा से वीडियो कैमरा लेंगे, और इधर फिजिकल कैमरा हम अप्लाई करेंगे। फिजिकल कैमरा लेंगे, इधर कैमरा में जाएंगे, सी फॉर कैमरा, और हमको इधर शो सेफ फ्रेम ऑन होना चाहिए, ठीक है। और हम एक व्यू जाएंगे पर्सपेक्टिव के अंदर, यहाँ पे हम इधर देखो, इधर हम एक खाली कैमरा कर देंगे ताकि कैमरा को पकड़ पाएंगे। इसको लेके हम थोड़ा ऊपर करेंगे और थोड़ा नजदीक लाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर से ऑल करके हम ये चेयर का ये ब्लैक करता हूँ। ओके, तो ये हमारा कैमरा रेडी हो गया। आप चाहते हो तो कि कैमरा का जो फोकस है उसको भी चेंज कर सकते हो। ये मॉडिफाई में जाना होगा, इसका फिल्म गेट है, मतलब जो फोकस, सॉरी, जो कैमरा का जो फिल्म गेट है वो चेंज, बड़ा छोटा होगा। और आपका ये है फोकस, फोकस आप जितना चाहिए आप एडजस्ट करो आपका सीन के हिसाब से, ठीक है। हम इधर 40 रख रहे हैं, हमारा ठीक ठाक आ गया इधर। और इधर हम रेंडर चेक करेंगे, इसीलिए हम इतना बड़ा रेंडर सेटअप नहीं देंगे। वीरे का एक क्विक सेटअप होता है, वो बहुत अच्छा है, अगर किसी ने चाहता है तो यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो आता है इधर से, वीरे टूल बार हमारा इधर ऑन है, तो फिर से और एक बार ऑन कर लेंगे। इधर वीरे टूल बार आ गया, देखो हमारा इधर है वीरे क्विक सेटिंग्स। वीरे क्विक सेटिंग्स के अंदर वीरे जो प्लगइन है उसके अंदर ही एक्सटीरियर इंटीरियर वीएफएक्स और स्टूडियो के लिए एक सेटअप दे रखा है, ठीक है। आप चाहते हो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये जल्दी रेंडर के लिए बहुत अच्छा है। इसका इंटीरियर में जाएंगे, क्लिक करेंगे, और इधर जीआई क्वालिटी का नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मशीन फाइल ज़्यादा हैवी हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि अच्छा क्वालिटी चाहिए तो बढ़ा सकते हो, ठीक है, ये सब बढ़ा सकते हो, सब डिवीजन को आप बढ़ा सकते हो, क्वालिटी अच्छा आएगा। तो हम इसको रेंडर सेटअप में जाके, फाइल को हम 1280720 करता हूँ, और इसको हम क्विक सेटिंग से हम रेंडर करता हूँ, ठीक है। रेंडर, थोड़ा टाइम लगेगा ये तो। हाँ देखिए, ये हमारा जो रेंडर है ये खत्म होने वाला है, काफी अच्छा है, नॉइस पॉइंट नहीं है, लेकिन मटेरियल में थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये पूरा 120 टी है, और ये हमारा एक फाइल में सेव हो रहा है। अगर वो आप
पहले से सेव नहीं कर सक करते हो तो आपको हमारा ये फाइल का जो रेंडर है वो इधर सेव हुआ है, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ब्लैकी सा है, ठीक है, अच्छा लगेगा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। सो वीडियो के एंड तक देखने के लिए थैंक यू, और हमारा वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल को प्रेस कर देना, ताकि आपका जो हमारा जो नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। और हमारा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के रहेगा, उसको फॉलो कर कीजिएगा, और ये जो रॉ फाइल का जो हमारा रेयर फाइल होगा वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो आप चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।